दोस्तों, क्या है SBI का वर्चुअल कार्ड और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन ये देखेंगे ओरिजिनल वर्चुअल कार्ड होता क्या है और कैसे जनरेट होता है। यदि आपके पास में नेट बैंकिंग है तो आप इस वर्चुअल कार्ड को जनरेट कर सकते हैं और अपना खाते का पूरा पैसा बचा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन बैंकिंग पे कोई परचेजिंग करना चाहते हैं और हो सकता है कि वो चीट करना चाहता हो सामने वाला वेबसाइट वाले, और हो सकता है आपका कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। तो क्या होता है कि कई बार आप अपने कार्ड का जो ओरिजिनल कार्ड है यूज़ कर लेते हैं और उस खाते से पैसा कैसे भी करके वो निकाल देते हैं, जिसके लिए अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड क्या होता है और एस वर्चुअल कार्ड क्या होता है। ये देखिए, जो पहला कार्ड जहाँ ओरिजिनल कार्ड लिखा है ये बैंक से आपको जारी होता है। इस तरह का कोई कार्ड होता है, आप देखा होगा आपने SBI का जो आपका कार्ड है। और वर्चुअल कार्ड क्या होता है कि बैंक जारी नहीं करता है, अपन खुद जनरेट करते हैं इसको। ऑनलाइन बैंकिंग के वाया जनरेट किया जाता है। और किस तरह से जनरेट करते हैं चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये www.onlinesbi.com है, ये बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है। इससे आप अपना वर्चुअल कार्ड जनरेट कर सकते हैं और किसी भी तरह की परचेजिंग कर सकते हैं जो 24 घंटे तक वैलिड होता है, और 100 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का वर्चुअल कार्ड आप जनरेट कर सकते हैं। चलो मैं आपको बता ले जाता हूँ साइट पे। ये देखिए, ये SBI की वेबसाइट है, यहाँ पर मैं लॉग इन करता हूँ। देखिए ये मेरा नेट बैंकिंग खुल गया है। यहाँ पे हम ई सर्विसेज में जाएंगे और ई कार्ड्स पे क्लिक करेंगे। ये है जनरेट वर्चुअल कार्ड, कैंसल वर्चुअल कार्ड और वर्चुअल कार्ड डिटेल्स। ठीक है, अब जो अकाउंट नंबर है उस पे आपको जो दिखेगा आपका अकाउंट नंबर ऑनलाइन, अब आपको कुछ नहीं करना है, वर्चुअल कार्ड की लिमिट डालनी है। जैसे कि मैं ये 100 रुपये का वर्चुअल कार्ड जनरेट करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करता हूँ और ये 50,000 तक आप जनरेट कर सकते हैं और 24 आवर्स के लिए वैलिड रहता है। 24 आवर्स में आप अपने परचेजिंग कीजिए और निकल जाइए। किसी भी तरह का कोई भी अगर आपकी चीटिंग करने की सोचेगा तो वो उतने पैसों से ज़्यादा निकाल ही नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे 100 रुपये का कार्ड कहीं पे यूज़ करना है ऑनलाइन और मुझे लगता है कि ये कोई प्रलोभन है या किसी भी तरह का कोई स्कैम है या किसी भी तरह का कोई झांसा है और मैं उस झांसे से बचना चाहता हूँ, तो मैं ये वर्चुअल कार्ड जनरेट करता हूँ। ये जो अब ये आ जाएगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा, मोबाइल पे OTP आया। मैं ये नंबर डालता हूँ OTP। अब इसे मैंने कंफर्म किया। ये देखिए वर्चुअल कार्ड जनरेट हो गया है। ये मेरा नाम आ रहा है लिखा हुआ, मिथुन शर्मा, और कार्ड की लिमिट आ रही है। ये जो मेरा ओरिजिनल कार्ड के जो नंबर्स हैं ये नंबर बिल्कुल ही डिफर है इससे, और जो लिमिट है 100 रुपये है, CCV नंबर है, एक्सपायरी डेट है। आप इसको यूज़ करो किसी भी जगह पे ऑनलाइन बैंकिंग में जहाँ आपको लगता है खतरा है, किसी भी तरह का आपका कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ओरिजिनल कार्ड यूज़ करने के बजाय दोस्तों ये वर्चुअल कार्ड यूज़ कीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपका खाता बच जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।